बिसमीम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फाइव क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट रिमेनिंग चैप्टर ऑफ थ्री ओपन योर टेक्सट बुक ऑन पेज नंबर ट्वेंटी नाइन सो स्टार्ट करते हैं और ओनली होप वाज़ टू क्लैम्बर into अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द श्योर फोर ऑफ़ अस मैनेज टू गेट द बोट into टू sea एंड वी jumped into टू इट क्या हमारी पहली कोशिश यही थी कि हम एक छोटी कश्ती में सवार हों और साहिल की तरफ रवाना हो जाएं। और हम चार लोग जो हैं उन्होंने वो इसकाबिल हो गए कि हम एक बोट में बैठ सकें वी jumped into इट हम इसमें सवार हुए वी रोड विद ऑल आवर माइट हमने अपनी पूरी ताकत के साथ इसे जो है वो चलाया बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन लेकिन जो लहरें थी वो बिल्कुल आ, चट्टानों की तरह थी पहाड़ों की तरह थी वी स्ट्रगल्ड ऑन बट एट लास्ट आर जाइगेंटिक वेव ग्रेटर देन ऑल द अदर हर्ड आर लिटल बोट इन टू एयर एंड इट्स सेंक बिनीथ अस सेंक डूब जाना बिनीथ नीचे स्ट्रगल कोशिश करना जाइगेंटिक बहुत बड़ी जाइगेंटिक वेव बहुत बड़ी ले, लहर हमने कोशिश की लेकिन एक बहुत आखिरकार एक बहुत बड़ी लहर ने हमारी कश्ती को ऊपर उठाया हवा में उछाला और उसके साथ ही वो हमारे नीचे जो है वो कदमों के नीचे जो है वो डूब गई आम आई एम अ ग्रेट स्विमर एंड फॉर एन और एंड अ और एंड हाफ आई बैटल इन दैट स्टोमी सी एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ हीज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन I tried to reach the shore again and again, and I was thrown away by the ragging seas again and again. At last, I was hurled towards the shore and fell down exhausted on the sand. Exhausted uh, थका हुआ। वो कहते हैं मैं एक बहुत अच्छा तैराक था मैंने तकरीबन एक घंटा और आधा घंटा जो है वो uh, जंग, जंग लड़ी इन स्ट्रोमी सी के साथ तूफानी समंदर के साथ और जैसे ही आ, मुझे जो है वो साहिल नज़र आया एक बड़ी वेव ने मुझे उठाया और जो है वो नीचे फेंक दिया पटक दिया और मुझे वापस जो है सी में ले गई मैंने बहुत कोशिश की साहिल पर पहुंचने की दोबारा दोबारा लेकिन हर दफ़ा मुझे वो वेव्स उठा के बाहर फेंक देती आखिरकार मैं कामयाब हो गया पहुँचने में और मैं थका हुआ जो है वो सैंड पर गिर जाता हूँ द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई एंड आई न्यू दैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस कहते हैं कि के रात बहुत ज़्यादा तारीख थी बग़ैर आसमान पे सितारों के और मैं जानता था कि ज़मीन पर लेटे रहना डेंजरस हो सकता है ख़तरनाक हो सकता है आई क्रॉल्ड अवे मैंने मैं रिंगा या मैं रिंगता हुआ फ्राम द सी एज़ फास्ट एज आई कम टू सी बुश एंड ट्रीज मैं रिंगता हुआ क्रॉलिंग करता हुआ जो है वो बुशेस और ट्रीज़ के तक जो है ना वो वहाँ तक आया आई डेंट नो वट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट सो आई क्लाइंब अप वन ऑफ द ट्री एंड मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस कहते मैंने आई डि नॉट मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में किस किस्म के जानवर जो है जंगली जानवर हो सकते हैं सो मैं एक दरख्त पर चढ़ा और एक दो बड़ी जो है वो ब्रांचिज़ शाखों के दरम्या जो है अपने आप को लेटा मतलब आरामदेह उसमें बैठ गया देर आई स्लेप्ट द नाइट एज़ वेल एज़ आई कुड वो कहते हैं मैं वहाँ पे उस रात में वो वहाँ पे सोया ठीक है ना एज़ वेल एज़ आई कुड जितनी मैं आराम से सो सकता था स्टूडेंट्स आज मैंने 29 पेज की रीडिंग की है कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़